रिमोट के बटन के माध्यम से तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज का शिलान्यास कर अनुग्रहित करें। एक छोटी सी चिप लेकिन बड़े काम की, मोबाइल से लेकर कंप्यूटर लैपटॉप तक, कार से लेकर रोबोट तक, डिफेंस से लेकर मेडिकल सेक्टर तक, हर जगह इस चिप का ही बोलबाला है। नाम है सेमीकंडक्टर, जिसके मामले में देश को दुनिया में अव्वल बनाने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक काम का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर किया। रिमोट के बटन के माध्यम से तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज का शिलान्यास कर अनुग्रहित करें। धोलेरा गुजरात की TEPM फैक्ट फैसिलिटी का शिलान्यास भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। रिमोट का बटन दबाते ही देश में एक दो नहीं बल्कि तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला एक साथ रखी गई। इनमें एक प्लांट असम के मोरी गांव में जबकि दो प्लांट गुजरात के धोलेरा और सानंद में लगाए जाएंगे। लिहाजा इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ असम और गुजरात के मुख्यमंत्री भी जुड़े। आज तीन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई बुलंदी मिल रही है। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को 50% की बड़ी आर्थिक सहायता देगी। कुछ रोज पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने इन तीन सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दे दी थी और आज इनका शिलान्यास भी कर दिया गया। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1,25,00,000 करोड़ रुपए के तीन बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। जानकारी के मुताबिक गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाएगी, जिस पर 91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। वहीं सानंद में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट लगाएगी, जिस पर करीब 7,500 करोड़ का निवेश होगा। और असम के मोरीगांव में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग के लिए प्लांट लगाया जाएगा। इस पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये तीनों ही प्लांट सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। मौजूदा वक्त में चीन का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा है। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की कुल बिक्री में चीन का एक तिहाई योगदान है। ऐसे में इस सेक्टर में भारत की एंट्री से चीन को बड़ा झटका लगना लाजमी है, क्योंकि अमेरिका, जापान और ताइवान जैसे देशों की कंपनियां अब भारत का रुख कर रही हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।